हाय फ्रेंड्स, आज जैसा कि बच्चों से डिमांड आ रहा था, सर कुछ एडवांस मैथ्स में कराया जाए। हम लोग का पढ़ाई बहुत दिन से बंद है, तो लेट्स आज डिसाइड हुआ कि क्या कराना है। तो बच्चों, मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस था सर आप मेंसुरेशन करो। तो मैंने बच्चों से एक ही चीज़ बोला, बच्चे मेंसुरेशन तो बहुत इजी चैप्टर है, तो मेंसुरेशन में जो अच्छा टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड, तो आज मैं वो क्वेश्चंस कुछ कराने जा रहा हूँ। और पहला चीज़ समझना है, प्रिज्म और पिरामिड होता क्या, व्हाट इज़ प्रिज्म। भैया प्रिज्म क्या है, तो बहुत लोग बच्चे समझ कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रिज्म मतलब सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़। प्रिज्म और पिरामिड में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बच्चा एक बात याद रखना। क्या याद रखना है? अच्छा, आप बच्चों ये बताओ, सिलेंडर को मैं प्रिज्म बोल सकता हूँ? बहुत बच्चे ऊपर से नीचे तक सोचने लगेंगे, क्या सर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। कुछ बच्चे ने कहा होगा हाँ, कुछ ना नहीं ना। तो बच्चा अब मैं समझाता हूँ, मैंने क्या बोला, सिलेंडर को प्रिज्म बोल सकते हैं। अगला फिगर मेरे आपके पास है सर, एक क्यूब है, क्या है, एक घन है, क्या मैं इसको प्रिज्म बोल सकता हूँ? अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया हुआ, अब आप कमेंट में करके जवाब दो बच्चों, क्या मैं एक क्यूबॉइड को प्रिज्म बोल सकता हूँ? आज तक बच्चों के मन में, लगभग बच्चों के मन में यही होता है, प्रिज्म मतलब ट्रायंगुलर शेप। इट डजेंट मीन कि ट्रायंगुलर शेप है तभी वो प्रिज्म है। तो प्रिज्म का बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना दोस्त, ऐसा फिगर जिसका हाइट कॉमन हो और बेस और इसका टॉप सेम हो। मैंने क्या बोला, ऐसा फिगर जिसके हर पॉइंट से, बेस के हर पॉइंट से उसके टॉप के हर पॉइंट में हाइट सेम हो। इट मीन्स मैं सिलेंडर को भी बोल सकता हूँ क्या है, प्रिज्म। अभी तक बच्चों क्या कहते थे, एक ट्रायंगल बेस है और एक ट्रायंगल टॉप है तभी प्रिज्म बोलते थे, ऐसा कहीं नहीं है। तो बेसिक सा चीज़ जान लेना है बच्चे, क्या बोले मैंने, कि ऐसा फिगर जिसका बेस और टॉप सेम हो और वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसका बेस और हाइट, बेस और टॉप जो हो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, वो प्रिज्म होगा। तो अब बच्चों आप बताओ, मैं फार्मूला बताने जा रहा नहीं, आप फार्मूला डराइव करोगे। मैंने क्या लिखा, अब बताओ कि इस प्रिज्म, ये जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबिकल शेप का जो प्रिज्म है बच्चों, इसमें क्या है, इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, कैसा एरिया भाई, तो दो तरीके का होता है। एरिया में बात करें तो दो तरीके का एरिया होता है, एक टी एस ए और दूसरा एल एस ए। अब बच्चों ये टी एस ए और एल एस ए क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या होता है टी एस ए और एल एस ए। फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। तो बच्चों अब बताओ, इस फिगर का लैटरल सरफेस एरिया अगर निकालना हो, तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो बाउंड्री का एरिया जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड बिल्कुल नहीं है। यानी अगर ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ इसका बेस का एरिया और इसके टॉप के एरिया को हटा दिया जाए, इसके बेस के एरिया और इसके टॉप के एरिया को हटा दिया जाए, तो मुझे क्या मिलेगा, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का सिंपल सा बात करें तो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। भाई एल एस ए यानी लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी फिगर, किसी भी प्रिज्म के अगर लैटरल सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना बोला जाए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा फिगर जिसका बेस का एरिया, मैं बेस का क्या निकाला, पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, तो मुझे क्या मिल गया, लैटरल सरफेस एरिया। अब बताओ बच्चे, सिलेंडर में हम लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सिलेंडर में लैटरल सरफेस नहीं हो एरिया होता है,
सेम चीज़ को यहाँ पे बोलते हैं CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों CSA यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर के लिए जो बाउंड्री है अपना, चारों तरफ से सिलेंडर जो घिर रखा है उसको हम निकालें, कैसा कैसा नीचे बेस मेरा कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर है ना। चलो बच्चे सर्कुलर तो आपने बोल दिया, सर्कुलर है। अब बच्चे आप यहाँ से बताओ कि सर्कुलर डिस्टेंस को नापने के लिए फार्मूला क्या है। तो यहाँ से नापने के लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं क्या, 2πr। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, जो सर्कल है उसके बाउंड्री, यानी सर्कल में चारों तरफ घूमने पे कितना दूरी तय करेंगे वो यहाँ से निकल गया। यानी ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस। और जैसा कि मैंने बताया प्रिज्म है तो इनटू हाइट, अब ये जो एच रहा होगा इसमें हाइट इनटू कर देंगे। और रेडियस क्या होता है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक। लेट नेक्स्ट फिगर अपना ट्रायंगल है। अब बच्चे ट्रायंगल कैसा भी है डजेंट मीन हमको इसका क्या निकालना है, डजेंट मीन मैंने क्या बोला इसका, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, लैटरल सरफेस एरिया। इट मीन्स अगर फिगर कर्व से बना हो, यानी सर्कल से बना हो, किसी कर्व से बना हुआ हो, तो वो लैटरल सरफेस एरिया ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, वहाँ बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेट आगे देखते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म है जो कि बचपन से देखते हैं। प्रिज्म का मतलब हम लोग समझते ही थे बचपन में, क्या हम लोग फिजिक्स के लैब में जाते थे, वो लाइट पास कराते थे और क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता था, वो सारा चीज देख के हम लोग आज तक ट्रायंगुलर को ही हम लोग प्रिज्म समझते थे। बट ऐसा नहीं है, प्रिज्म मतलब क्या, ऐसा फिगर जिसका टॉप और बॉटम सेम हो और वो परपेंडिकुलर हो, राइट। तो चलो प्रिज्म अगर इस एरिया को हमको निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने क्या बोला लैटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ दे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं ये साइड मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ट्रायंगुलर जो बेस मेरा है वो तीन साइड से कैसा है, ए बी सी। तो मैंने क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इनटू एच, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से एकदम ध्यान देना है, अब एक एक करके हम फिगर देखेंगे। अभी तक हम इतने ही सीखे, अभी कुछ फार्मूला कुछ नोट नहीं करना, मैं सारा कुछ बताऊंगा। अब एकदम ध्यान रखना, प्रिज्म क्या होता है, ऐसा फिगर चाहे वो ट्रायंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, ऑक्टागोनल हो, कोई भी गोन हो, कितना भी कॉर्नर हो, डजंट मीन, बस प्रिज्म का क्राइटेरिया ये होना चाहिए उसका टॉप और बॉटम सेम होना चाहिए और आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। अब बच्चों एकदम ध्यान से, मैंने क्या बोला, कोई भी फिगर हो, डजंट मीन कन्फ्यूज नहीं होना, ट्रायंगल के लिए अलग फार्मूला, सिलेंडर के लिए अलग, क्यूबॉइड के लिए अलग, क्यूब के लिए अलग। तो हम क्या बोले, अभी लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अब एक फिगर लेते हैं, सबसे पहला फिगर जो हमने यूज़ किया, चलो फ्रेंड, अब पहला फिगर मैंने लिया क्या, आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग मैंने लिया क्या, क्यूबॉइड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रिज्म, ठीक है, मैं इसको भी प्रिज्म बोल सकता हूँ। प्रिज्म का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, जिसका टॉप और बॉटम सेम है और वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो प्रिज्म है। अब बच्चा आप इसका एरिया का फॉर्मूला बताओ, तो एरिया के लिए मैंने दो एरिया बताया, एल एस ए और टी एस ए। एल एस ए का मतलब लैटरल सरफेस एरिया, टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो एल एस ए निकालने के लिए एल एस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टी एस ए में टी एस ए को लिख सकते हैं हम एल एस ए प्लस एरिया ऑफ टू बेस, यानी एल एस ए जो भी होगा और साथ में इस दोनों बेस का एरिया। तो अब इस फिगर का बात करें, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है और ये मेरा हाइट है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बाबू, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू इंटू एल प्लस बी।
बच्चा ये L हो गया, ये B हो गया, जब ये L है तो ये भी L रहा होगा, ये भी B रहा होगा। हमको पता है रेक्टेंगल तभी हो सकता है जब सामने वाला भुजा बराबर हो, यानी आयत तभी हो सकता है जब सामने वाला भुजा बराबर है। अगर ये L है तो ये भी L रहा होगा, ये B है तो ये भी B रहा होगा, और हाइट तो कॉमन है ही भाई। तो 2L, 2 इंटू L प्लस B इंटू एच, ये मेरा क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया में एल एस ए, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा भाई, दो बेस, बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू एल इंटू बी, सही है, एकदम बेसिकली चल रहा है। अब बात करते हैं इसका, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, तो बच्चा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ऐसे भी नहीं समझना है, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब डजंट मीन कि प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म हो, मैंने क्या लिखा, बेस का एरिया गुना हाइट, मैंने ये नहीं लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये कॉमन चीज आपको दिमाग में याद रखना है कि प्रिज्म डजंट मीन्स इट इज ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। इट इज एनी टाइप ऑफ फिगर हैविंग सेम बेस एंड सेम टॉप एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट का। चलो बच्चा अब मैंने क्या लिखा वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एक प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यानी जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और वो प्रिज्म है, तो उसका एरिया, तो बच्चा अब इसका बेस का एरिया क्या हो जाए, एल इंटू बी इंटू एच, राइट, समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चा अब आप एक फिगर मैं ले लेता हूँ, अब इसका फॉर्मूला एक एक करके आप लोग बताते जाना, और पेन पेपर उठाओ, मज़ा आएगा, और मेंसुरेशन का भूत तो भगाकर छोड़ेंगे, और मेंसुरेशन रियली में सबसे इजी टॉपिक है, बट बच्चों का थोड़ा सा इमेजिनेशन होना चाहिए, रस्ट बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। अब बच्चा हम एक फिगर लिए, कैसा फिगर ले लें सर, एक सिलेंडर ले लो, जी ले लिया। अब बच्चा बताओ इसका मैं वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ, कैसे निकला, डजेंट मीन, ये मैंने क्या लिया, सिलेंडर है, क्या मैं सिलेंडर को प्रिज्म बोल सकता हूँ, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। तो बच्चों मैंने LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब LSA अगर निकालना हो तो इसका LSA क्या होता है, मैंने क्या बोला, बाउंड्री, जिस बेस पे बना उसका बाउंड्री का लंबाई, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री इंटू हाइट। अब भाई बाउंड्री कैसा है सर, आप बोलोगे सर्कुलर है, तो सर्कुलर के बाउंड्री का लंबाई नापने का फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी क्या हो जाए, 2πr। कैसा बेस लेंथ ऑफ बाउंड्री कैसे निकाल भाई, लेंथ कैसा है, बाउंड्री कैसा है अपना, सर्कुलर है, सर्कुलर है, सर्कुलर बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 2πr इंटू हाइट। ये अपना क्या निकल गया बच्चा, आ गया यहाँ से LSA। अब मैंने TSA के लिए सिंपल सा बात बताया था, LSA यानी जो भी लैटरल सरफेस एरिया आएगा प्लस एरिया ऑफ टू बेस, तो लेट इट बी LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, राइट। तो सर LSA आपका आ गया 2πrh प्लस 2। बेस कैसा है भाई, एरिया ऑफ बेस निकालने का फॉर्मूला πr², राइट। अब कुछ पार्ट कॉमन ले सकते हैं, 2π और एक r को कॉमन ले लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बचा, h, और यहाँ पे अपना क्या बचा, r, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, राइट, सर्कुलर सिलेंडर इज 2πr, ठीक है। अब आते हैं अपना ट्राइंगल पे, चलिए
होपफुली अच्छा लग रहा हो तो वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करो, काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ। तो चल बच्चों, अब हम लाते हैं अपने सिलेंडर पे। सिलेंडर के बाद नेक्स्ट फिगर लिया ट्रायंगल ए बी सी। कैसा सिलेंडर, कैसा प्रिज्म है? राइट प्रिज्म, कैसा राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी बेस इसका कैसा है बच्चों? ट्रायंगल है। तो प्रिज्म अब एरिया, अब इसका लैटरल सरफेस एरिया यानी एल एस ए, लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो। ये मेरा एक डायमेंशन, एक ट्रायंगल का जो डायमेंशन है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। और अपना इस फिगर में जो हाइट है, लेट इट बी की ये एच है, ठीक है। अब बच्चों एल एस ए मैंने क्या बोला, बोलिया क्या फार्मूला होता है? इस बाउंड्री का लेंथ, जिस बेस पे बना है उस बाउंड्री का पूरा लंबाई, जिस बाउंड्री पे बना है उस बाउंड्री का पूरा लंबाई। तो भैया एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तीसरा साइड सी है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री हो गया ए प्लस बी प्लस सी। मैंने क्या बोला एल एस ए के लिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री इंटू हाइट, राइट। देन अब बच्चा टी एस ए क्या होगा, टी एस ए, टी एस ए इज इक्वल टू क्या बोले थे, एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस एल एस ए प्लस टू बेस। तो बच्चा एल एस ए तो हम निकाल लिए हैं, टू बेस। अब अगर तीनों साइड डायमेंशन अगर अलग है, तो अगर तीनों डायमेंशन हमको दे रखा है, तो हमको पता है हीरोज फार्मूला यूज़ करते हैं। जिन बच्चों को हीरोज फार्मूला नहीं पता है, तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और हीरोज फार्मूला जिनको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पता है, वो लिख लें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, अब एरिया ऑफ टू बेस और जो भी आएगा हम वो निकाल लेंगे। लेट अब आगे चलते हैं। अब जो सबसे मज़ेदार टॉपिक है, हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे उसके तरफ। नेक्स्ट हम फिगर लेंगे बच्चों हेक्सागोन। अब इससे पहले आप बताओ हेक्सागोन होता क्या है? हेक्सागोन, नेक्स्ट फिगर अपना क्या होगा बच्चा? अभी बच्चों हम प्रिज्म सिर्फ क्या क्वेश्चन नहीं ले रहे, हम समझ रहे कि फिगर क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन सारा कुछ करेंगे। अब बेसिकली बच्चों आप ध्यान दो, हेक्सागोन एक ऐसा फिगर और कैसा, हम लोग के जो एसएससी के सिलेबस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में वो फिगर है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, अब बच्चों रेगुलर हेक्सागोन, ये वर्ड रेगुलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या होता है? ऐसा षटभुज, यानी ऐसा षटभुज, यानी सिंपल सा चीज, अ फिगर हैविंग सिक्स साइड्स हुज ईच साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। यानी बच्चों को समझ में क्या आया, ऐसा फिगर जिसका सारे भुजा समान हो और उसमें टोटल कितना भुजा हो, छः। तो बात समझ में आ गया रेगुलर हेक्सागोन। अब बात करते पहले हेक्सागोनल पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड आने से पहले बात करते हैं हम हेक्सागोन का। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, हेक्सागोन मैंने अभी तक डेफिनेशन में आपको क्या बोला? अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया बच्चों कि हेक्सागोन होता क्या है। मैंने क्या बताया, पहला चीज़ आपको बताया एक ऐसा फिगर जिसकी हर भुजा समान हो और कुल कितनी भुजा हो, छः। एक ऐसा फिगर जिसकी कुल भुजा समान हो और उसमें कितनी भुजा हो, छः। तो अब एक चीज़ बताओ, अब याद रखना हमको वॉल्यूम और फॉर्म एरिया नहीं निकालना आता है, मैं क्या करूँगा,
तो बच्चे एकदम ध्यान से याद रखना, एक रेगुलर हेक्सागॉन क्या बोला बच्चे, एक रेगुलर हेक्सागॉन यानी एक ऐसा जिसका हर भुजा समान हो, वो छह छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। अगर ये अपना साइड ए है तो मैंने क्या बोला, कैसा फिगर है, रेगुलर हेक्सागॉन है। तो यानी अगर ये साइड ए तो साइड ए होगा, होगा ना, रेगुलर हेक्सागॉन है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान देना, रेगुलर हेक्सागॉन का एरिया निकालना है, नहीं याद करना है फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, इसमें छः बराबर बराबर के इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर जोड़ दिया जाए, यानी एक पार्ट को यहाँ से अगर एक पार्ट निकाल ले तो ऐसा छः इक्वल ट्रायंगल्स निकलेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और जिनको नहीं समझ में, हम क्या बोले, एक रेगुलर हेक्सागॉन यानी एक षटभुज जो कैसा है, चारों तरफ से बराबर है, सॉरी चार तरफ तो नहीं, यहाँ पे कितना तरफ है, छः तरफ है, इसकी छः भुजा बराबर है, यानी ऐसा षटभुज जो छः भुजा बराबर है। तो उसके बारे में बेसिक सा चीज़ याद रखने ना, उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो वो छः बराबर बराबर सट, जब उसको अगर काटेंगे ना डायगोनली तो छः इक्विलेटरल ट्रायंगल से कट जाएगा। तो बच्चों हमको एक चीज़ बताओ, एक साइड एक त्रिभुज है जिसका एक साइड ए है, मैंने क्या बोला इक्विलेटरल, तो ये साइड भी ए रहा होगा, ये साइड भी ए रहा होगा। अब बच्चों आप बताओ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सर आप बोल दोगे रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, क्या बोलोगे, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब मैंने बताया आप एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बताया, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बोला, वन हेक्सागन इज इक्वल टू सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक हेक्सागन जो है छः इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है। तो बच्चा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आया, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ और बताओ, तो मैं लिख सकता हूँ हेक्सागन का एरिया, कहाँ लिख दूँ, चल यहाँ लिख देता हूँ, हेक्सागन का एरिया इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिक्स इंटू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ थ्री बाई टू रूट थ्री ए स्क्वायर, भाई एक यहाँ से थ्री कट गया ना और यहाँ दो रह गया, ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा। मैंने क्या किया, इक्विलेटरल, मैंने क्या बोला, एक हेक्सागन छः इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, एक हेक्सागन छः इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है। तो छः इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, यानी थ्री रूट बाई रूट थ्री बाई टू रूट थ्री ए स्क्वायर, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए अब एक बात बताता हूँ काम का चीज़, अब ऐसे तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम लोग पिरामिड में आएंगे। दो चार चीज़ें बताना ज़रूरी है, इन सर्कल, सरकम सर्कल और इन सेंटर बताना ज़रूरी है। तो बेसिकली आप इन सेंटर निकालना हो, अगर एक हेक्सागन का इन सेंटर, अब बात कर रहा हूँ मैं इन सेंटर, इन सेंटर या बात करूँ इन रेडियस, इन सेंटर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे चाहिए क्या, इन रेडियस। अब अगर इस पे पिरामिड बनाना हो, अब अगर मुझे इस पे पिरामिड बनाना हो तो पता है पिरामिड में क्या होता है, बेस तो फ्लैट होता है लेकिन टॉप सारा वर्टेक्स जो भी इसके कॉर्नर से निकलेंगे यहाँ से, जस्ट इमेजिन ये लाइन यहाँ से आके जुड़ेगी, ये लाइन यहाँ से आके जुड़ेगी, यानी एटमोस्ट समझ लो कि आप एक टेंट बना रहे हो जिस कोन है,
और जिसका बेस कैसा है, हेक्सागोन है, यानी स्टॉप से हर पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे, तब मुझे इन सेंटर का ज़रूरत होगा। तो आप एक चीज़ बताओ, इन सेंटर के लिए, यानी इन सेंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ से हम अंदर की तरफ, अंदर की दूरी, यानी ये दूरी हर जगह, ये हर साइड को टच करेगा, ठीक है, फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, डजेंट मीन। इन सेंटर क्या बोल सकता हूँ, एक हेक्सागोन का अगर मुझे इन सेंटर निकालना हो, या एक हेक्सागोनल पिरामिड का मुझे अगर इन सेंटर निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो बच्चों ध्यान देना, क्या मैं नोटिस कर रहा हूँ जो पिरम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, वही मेरा क्या होगा, इन रेडियस होगा, वही मेरा क्या होगा, एक रेगुलर हेक्सागोनल का इन रेडियस वही होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होगा, इट मीन्स रूट 3/2a। और सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या होगा? अब बच्चों सर्कम रेडियस वो होता है जो फिगर को, फिगर के हर वर्टेक्स को एक्सटर्नली टच करता है। इसमें क्या होता है, इन रेडियस हर साइड को इंटरनली टच करता है, और हेक्सागोनल में सर्कम सर्कल अगर बात करते हैं तो फिगर के हर वर्टेक्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, यानी फिगर के जो भी फिगर है वो उसके वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा वो मेरा क्या होगा, सर्कम रेडियस होगा, यानी ये मेरा साइड ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो बच्चों क्या देख रहे थे हम लोग, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन बेस्ड प्रिज्म। तो बच्चों कुछ रेगुलर हेक्सागोन बेस्ड प्रिज्म ऐसे ही दिखेगा जिसका टॉप में 6 साइड हो, बॉटम में 6 साइड हो, और वो हर साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, एक रेगुलर हेक्सागोन जो होता है, जिसका अगर बात करें, एक रेगुलर हेक्सागोन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ होता है। इतना बात क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं LSA, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लैटरल सरफेस एरिया। मैंने लैटरल सरफेस एरिया के लिए कॉमन बात बता रखा है। मैंने क्या बताया, लैटरल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आसान सा चीज़, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, यानी जिस बेस पे फिगर बना है उस बेस के बाउंड्री का लंबाई। तो भैया ये रेगुलर फिगर है, यानी हर साइड इसका ए रहा होगा, लेट इट बी कि ये साइड मेरा ए रहा होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, रेगुलर हेक्सागोन का कोई भी फिगर जिसका जो प्रिज्म हो, कोई भी फिगर जो प्रिज्म हो, कोई ऐसा फिगर जो प्रिज्म हो, प्रिज्म होने के लिए क्राइटेरिया मैंने बताया, टॉप और बॉटम सेम होना चाहिए और वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बच्चों अब एकदम बिल्कुल सा बात ध्यान रखना है, LSA यानी लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर। भाई किताब में कितना फॉर्मूला रटोगे, एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि हर कुछ रटा का रटा रह जाता है और वहाँ अपने साथ कुछ नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कहाँ से आता है, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। बच्चों LSA क्या होता है, पेरीमीटर और बेस इनटू हाइट। तो बच्चे पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो भैया हर साइड ए है, कितना साइड है, 6 साइड है, तो 6 इंटू ए, राइट। हाइट अपना अपना प्रिज्म का कुछ लंबाई भी होगा, तो एच, यानी 6 इंटू ए इंटू एच, ये मेरा क्या निकल गया, पेरीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, और ये क्या हो गया, हाइट। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, लैटरल सरफेस एरिया। अब बच्चों बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी CSA,
अब बच्चों CSA लिख दे या TSA लिख दे, कर्व सरफेस, बच्चों लैटरल सॉरी LSA लिख दे या CSA लिख दे, तो कंफ्यूज नहीं होना। कोई ऐसा फिगर जो कर्व से, सॉरी ये तो लाइन से बना, यानी यहाँ LSA लिखेगा सेल, अगर सिलेंडर होता तब CSA लिखते। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TSA। TSA का फॉर्मूला क्या बताया, LSA प्लस एरिया ऑफ टू बेस, राइट। मैंने क्या बताया, LSA प्लस एरिया ऑफ टू बेस। अब बच्चों हम याद है एक बेस का एरिया क्या निकला था, नहीं याद है सर, भूल गए, इतना जल्दी जल्दी तो भूल जाते हो। तो बच्चों हमको पता है ये जो अपना हेक्सागोन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अब हम इस पार्ट को देख रहे हैं। मेरे को LSA मिल चुका है 6 × A × H प्लस एरिया ऑफ बेस। एक बेस हमको पता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है, तो पहले तो दो को ऐसे एज इट इज लिख दे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, छ एक हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है, तो टू टू ट्रायंगल है इंटू 6 × √3/4 ए स्क्वायर कटना है, राइट, काट देते हैं इधर, 2 से 2 देन 2 यहाँ से 3, यानी अपने को क्या मिल गया, 6 A × H प्लस 3√3 A² ये अपना क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों आप बताओ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है। सर नहीं पता, पता क्या है भाई, कुछ तो पढ़ रखे होगे, और थोड़ा देर पहले मैंने जस्ट बताया था क्या वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यानी मुझे क्या चाहिए, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए पता करना है वो बेस कैसा है। तो भैया बेस अपना क्या है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, 3√3/2, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस। भाई बेस कैसा है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन का एक साइड एक हेक्सागोन का एरिया, यानी एरिया ऑफ बेस यानी 6√3√3 A² इंटू हाइट, तो ये अपना मिल गया क्या, हेक्सागोन का हाइट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो और बहुत मज़ा आएगा इसके आगे क्वेश्चंस करने में। और थैंक यू, जितना हो सके जल्दी से जल्दी शेयर करो, और जो भी बच्चे अभी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम में है, जिन तक कुछ सहायता चाहिए हम लोग कर सकते हैं, तो बेफिक्र मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, हर तरीके का सहायता उपलब्ध कराने का कोशिश किया जाएगा इस सिचुएशंस में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सको दूसरों की मदद करो। थैंक यू।